हेलो मैम हेलो मैम वी आर फाइन मैम थैंक मैम व्हाट ओके इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइजेस फ्रॉम चैप्टर नंबर सेकंड इन बुक बी। पेज नंबर ओपन करना आपको बुक बी में कौन से पेज कंप्लीट करने हैं? पेज नंबर सेवन। सेवन पेज पे आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ के जो भी एक्सरसाइज होंगे आज उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ टीथ के सभी एक्सरसाइज डिस्कस हो गए थे, आज कंप्लीट करने हैं टाइप्स ऑफ टीथ के एक्सरसाइज। क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिख रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा ओपन करिए टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ के प्रकार यहाँ पे जो उसका साइज है इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। इससे पहले आप लोग बताइए हमें कि हमें टाइप्स ऑफ टीथ फोर टाइप्स। ओके गुड। चलिए नेम बताइए बेटा फोर टाइप्स के। मैम इंसिजर कैनाइन फीमोरस। मैम इंसिजर कैनाइन मोरल प्रीमोरल। इंसिजर कैनाइन मोरल एंड प्रीमोरल। यस गुड। अंकु बेटा यू टेल आप बताइए। कैनाइन मोरल प्रीमोरल इंसिजर। गुड। तनीश यू टेल हमें टाइप्स ऑफ टीथ नहीं पता। आकांक्षा हमें टाइप्स ऑफ टीथ कैनाइन मोलर प्रीमोलर इंसिजर। पहले अभी तो बोलिए देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ दैट इज कैनाइन इंसिजर मोलर एंड प्रीमोलर। अनुष्का यू टेल सॉरी अनन्या। मैम देयर आर फोर टाइप ऑफ टीथ फर्स्ट मोरल सेकंड प्रीमोरल थर्ड इंसिजर फोर्थ कैनाइन। ओके गुड। आज सोनाक्षी क्लास ले रही बहुत दिन बाद। आदेश यू टेल चलिए आप बताइए आदेश हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ इंसिजर कैनाइन मोलर प्रीमोलर। गुड। दिव्यांशी वर्मा यू टेल And there are four types of teeth, canines, incisor, premolar, molar. Good. Dibya, you tell how many types of teeth, Dibya? बेटा आवाज जा रही है दिव्या माइक ऑन करिए। चलिए बताइए how many types of teeth? दिव्या माइक ऑन कर लो बेटा आज से बोल रहे हैं। चलिए बोलिए बेटा हाँ मेरी टाइप साथ थी आप डेली क्लास नहीं लेती तो आपको कैसे पता होगा। आंचल आप बताइए बेटा आंचल। मैम कैनाइन मोलर प्रीमोलर इंसिजर। गुड। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ कैनाइन इंसिजर पहले इंसिजर कैनाइन मोरल एंड प्रीमोरल। ओके चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसिजर। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में संरचना होता है बनावट जिसको आप बोलते हैं। तो आप जो इंसिजर टीथ है उसकी बनावट कैसी होती है उसकी संरचना कैसी होती है एंड फंक्शन और उसका कार्य क्या होता है आप सभी को यहाँ पे राइट करना है इंसिजर के फंक्शन को और उसकी संरचना को उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा संरचना कैसे होती है। चलिए इसका आंसर कौन बताएगा बेटा माइक ऑन करिए कौन बताएगा। अंकुर अनन्या
आकांक्षा, आंचल, कौन बताएगा इसका आंसर? आदेश, मैम क्या नाइन का बताना है? इंसीजर बेटा, इंसीजर का जो फंक्शन है उसका। इंसीजर हेल्प्स, इंसीजर हेल्प्स टू कट फूड। चलिए बस आप बताइए अनन्या बेटा। The incisor are the crystal shaped flat and sharp edges front teeth. The incisors are crystal shaped. नोट कर लीजिए। फ्लैट फ्लैट एंड शार्प शार्प एज फ्रंट टीथ। अभी यहाँ पे हमने लिखा केवल स्ट्रक्चर, किसकी संरचना कैसे होती है जो इंसीजर टीथ होते हैं, तो कैसे होते हैं? इंसीजर आर सीजर शेप, ये सीजर की शेप में होते हैं। फ्लैट एंड शार्प एज, जिनका जो धार होता है, जो उनका किनारा होता है, बहुत ही फ्लैट होता है, समतल होता है और नुकीला होता है, जो कि फ्रंट साइड में होते हैं। इधर देखिए, ओपन करिए उसी को, एक बार क्लिक करिए, उसे कॉपी करिए, राइट क्लिक और ओपन हो जाएगा। करेंगी दो बार, कब करिए? तो वाला करिए, कॉपी करिए, पहले कॉपी की है, एक बार फिर ट्राई करिए, कट मत करिए। अरे यार थोड़ा मुझे तो लेट हो रहा है। बड़ा राइट किया आप लोगों ने ना, पैसे करेंगी। यस मैम, यस मैम। देखिए ऐसे yes, पहले इससे आप स्टार्ट करेंगी, इस वाले से, इससे इससे आप करेंगी कॉपी, ऐसे करेंगी कॉपी होगा, कॉपी करने के लिए इसी पे से करेंगी। यस मैम, ऐसे करेंगी यहाँ पे कट हो जाएगा ये। बस दो मिनट की बेटा स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। तो इसके इसके फंक्शन को राइट करिए जल्दी से, सभी लोग ढूंढ के राइट करिए फंक्शन का। मैम राइट है? हाँ बोलो। यस अनन्या बोले बेटा। द इंसीजर हेल्प अस टू बाइट और कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस जस्ट लाइक अ पेयर ऑफ सीजर्स। ओके आकांक्षा बताइए। यस मैम, आप बोले फंक्शन क्या होता है इंसीजर का? दे कट फूड इनटू, ऐसा नोट करेंगे आप लोग यहाँ पे, सीट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दे कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ये तो है ना बेटा, into small yes ma'am pieces। हो गया, नोट कर लीजिए बस। तो आपका क्या है, फंक्शन है, ठीक है, कि फंक्शन में कार्य होता है। तो कार्य क्या करते हैं, ये क्या कार्य करते हैं? दे कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस, जो इंसीजर्स होते हैं वे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं। ओके, yes, जो है सीजर शेप में होती है,
और ये फूड को इस छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं. देन ड्रा अ कैनाइन एंड अ मोरल इन द गिवन स्पेस. यहाँ पे आपको क्या करना है, कैनाइन टीथ को ड्रा करना है और फर्स्ट टीथ को मोरल टीथ को ड्रा करना है, ठीक है. देन राइट द डिफरेंस बिटवीन द, और ड्रा करने के बाद दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है. तो आप बुक ओपन करना, बुक ए, कैनाइन टीथ को यहाँ पे ड्रा करना और मोरल टीथ को यहाँ पे ड्रा करना. ड्रा कर लेंगे ना सभी लोग बुक में. यस मैम. स्पेस दिया हुआ है, इसी स्पेस yes, ma'am. केनाइन एंड मोरल के बीच में क्या लिखना है, डिफरेंस राइट करना, मीन्स अंतर लिखना है. दोनों में अंतर क्या होते हैं, चलिए बेटा बताइए हमें अंतर क्या होते हैं. कौन बताएगा, शिवा बताएंगे. शिवा बताइए बेटा, शिवा सचिन एक अंतर बताएंगे, शिवा एक बताएंगे सचिन. केनाइन एंड मोरल में डिफरेंस क्या होता है, चलिए वन डिफरेंस बताइए. वन सचिन बताइए, वन शिवा आप बताइए. जल्दी बोलिए बेटा. दिव्या आप बताओगे. अंकुर अनन्या. यस मैम. बताइए बेटा. द कैनाइन्स आर द शार्प पॉइंटेड टीथ नेक्स्ट टू द इंसाइजर्स. दे आर शार्प एंड पॉइंटेड एंड हेल्प टू टियर फूड इनटू पीसेस. दे वर्क लाइक अ फॉर्क. नेक्स्ट किसके बगल में होते हैं ये जो इन कैनाइन टीथ होते हैं, किसके बगल में होते हैं बोलो बेटा. जो कैनाइन टीथ होते हैं इंसीजर. इंसीजर मैम. इंसीजर लिखेंगे मोरल. ये कहाँ पे होते हैं, जैसे ये आपके जो कैनाइन टीथ होते हैं ये बगल में होते हैं इंसीजर के, सेम ऐसे जो मोरल होते हैं किसके बगल में होते हैं, जल्दी से बोलिए. अरे बुक में देख के तो बोल सकते हो मैम. प्रीमोलर के बीच में बिहाइंड पीछे होते हैं बेटा, बीच में नहीं, बिहाइंड द प्रीमोरल. दे आर फाउंड में मिलते हैं बिहाइंड पीछे द प्रीमोरल, प्रीमोरल के पीछे होते हैं. अब देखिए यहाँ पे और क्या लिखेंगे हम इन सीजर कैनाइन के बारे में. इनकी संख्या कितनी होती है कैनाइन की, बोलिए जल्दी से. कैनाइन की संख्या कितनी होती है, फोर. गुड, फोर. कहाँ कहाँ पे फोर होते हैं, फोर कैनाइन्स. मैम टू अपर जॉ में, टू लोअर जॉ में, टू इन ईच जॉ. यहाँ पर नोट कर देंगे इन ईच जॉ में, अपर जॉ भी आ गया, लोअर जॉ भी आ गया. देयर आर फोर कैनाइन्स, टू इन ईच जॉ. फोर कैनाइन्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से टू अपर जॉ में एंड टू लोअर जॉ में.
देन अमोलर की संख्या बताइए कितनी होती है. देयर आर कितने मोलर टीथ होते हैं मैम? मैम सिक्स. सिक्स होते हैं. राम बता रहे बेटा. मोलर टीथ की संख्या कितनी होती है? सिक्स ही होती है. नो मैम, मैम ट्वेल्व होती है बेटा. सिक्स जो है सिक्स सिक्स दोनों जामे होते हैं. सिक्स इन ईच जाम. अब ऐसे आपको एक डिफरेंस और लिखना है. इसका वर्क कैसे होता है केनाइन का? दे वर्क लाइक अनन्या. मैम दे वर्क लाइक अ फॉर्क. और इसका वर्क कैसे होता है मोरल का? मोरल जस्ट मोरल वर्क जस्ट लाइक अ पेयर ऑफ मोटर एंड प्लेट यूजिंग फॉर क्रशिंग हर्ब्स इनटू पेस्ट इन द किचन. पेयर ऑफ मोटर एम ओ आर मोटर नाम ये सब सेंड करना है. हाँ राइट करना है. एंड पेस्ट. दे वर्क लाइक अ इतना सही है. मॉर्टर एंड पेस्टल. बेटा इसके साथ में बाद में नोट कर लें क्योंकि अभी आज से कंप्लीट करवाना है. अभी कई सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं. हो गया. हाँ, नोट कर लेना ठीक है. और यहाँ पे पिक्चर भी ड्रा करना आपको. नाइन का पिक्चर यहाँ पे, मोरल का पिक्चर यहाँ पे. चलो इरेज करते आगे देखते हैं. डैन फिल इन द डिटेल्स इन द टेबल. दिस टेबल यहाँ पे इस टेबल में आपको डिटेल फिल करना है. डिटेल क्या है इसमें? नेम ऑफ द फैमिली मेंबर. यहाँ पे आपको अपने फैमिली मेंबर का नेम लिखना. मीन्स फादर मदर जो भी आपके फैमिली में होंगे, ब्रदर सिस्टर. फिर क्या करना आगे? एज. उनकी एज लिखनी है. कितने एज के हैं, उनकी आयु कितनी है, उनका एज कितना है, कितने साल के हैं. फिर नंबर ऑफ टीथ. फिर उनके जो टीथ है उनका नंबर कितना है, कितने टीथ उनके पास है, टोटल कितने टीथ है, आप यहाँ पे नोट करेंगे. काउंट करके फिर नोट करेंगे. समझ आया ना? यहाँ पे आप फैमिली मेंबर्स का नेम लिखेंगे. जैसे मदर, फादर, ग्रैंड मदर, सिस्टर, ब्रदर जो भी होंगे उनकी एज लिखेंगे यहाँ पे. और यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ लिखेंगे कि उनके कितने टीथ है. फिर यस मैम. कलर ऑफ टीथ. फिर यहाँ पे उनके कलर का जो उनका टीथ है किस कलर का है, व्हाइट है या येलो है, कैसा है, आप यहाँ पे नोट करेंगे. ठीक है.
यस मैम। यहाँ पे देखिए, अब इतना करने के बाद अब क्या करना है, नंबर ऑफ इंसीजर, कैन आई नंबर ऑफ इंसीजर, यहाँ पे जो इंसीजर का होगा, जहाँ पे आई लिखा हुआ वहां पे इंसीजर का नंबर लिखेंगे, एंड जहाँ पे सी लिखा हुआ कैनाइन का नंबर लिखेंगे, जहाँ पे एम लिखा हुआ मोलर का नंबर लिखेंगे, और जहाँ पे पी लिखा हुआ प्रीमोलर का नंबर लिखेंगे। ये नहीं कि आप जितना होता उतना ही लिखोगे, जितना आपके फैमिली की जिस मेंबर का आप लिख रहे हो उसके कितने हैं टीथ, कैनाइन टीथ कितने हैं, मोरल टीथ कितने हैं, प्रीमोरल कितने हैं, उसका काउंट करके आप लिखोगे। ठीक है, टोटल जितने होते उतना नहीं लिखोगे, आप उनके पास कितने हैं उतना आपको लिखना है। आज समझ में? यस मैम। सपोज दैट यहाँ पे हम एज राइट करते रहे, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा फादर, फादर ने लिखा यहाँ पे, अब यहाँ पे एज लिखना है, फादर का एज आप जो भी होगा फादर का एज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, 40 या 45, 50, जो भी आपके फादर का एज होगा यहाँ पे आप नोट करना। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टीथ, उनके टीथ कितने नंबर, कितने टीथ है उनके पास, 28 है या 30 है, 32 है, जितना भी होगा आप यहाँ पे नोट करेंगे। ओके, आसल में फिर ऐसे कलर ऑफ टीथ, यस मैम, उनका जो टीथ है किस कलर का है, व्हाइट है तो व्हाइट लिखेंगे, येलो है तो येलो लिखेंगे। ऐसे फिर लिखने के बाद अब यहाँ पे नंबर लिखना है, जो कैनाइन टीथ कितना है यहाँ पे लिखेंगे, इंसीजर पहले तो इंसीजर का यहाँ पे लिखेंगे आई फॉर इंसीजर, आई फॉर इंसीजर होगा। हाँ बोलो बेटा, आई फॉर इंसीजर, जितने इंसीजर टीथ होंगे यहाँ पे उसकी संख्या लिखना। सी फॉर कैनाइन, इंसीजर टीथ कैसे लिख जाएगा, इंसीजर टीथ काउंट करना है, इंसीजर टीथ पता है कौन से होते हैं ना, तो कितने हैं वो काउंट करके आप लिखना कि कितने इंसीजर टीथ उनके पास हैं। ठीक है, यस मैम। कैनाइन टीथ की संख्या कितनी है उनके दांतों में, और मोलर टीथ की संख्या कितनी है उनके माउथ में, एंड प्रीमोलर की संख्या कितनी है, अब संख्या आप काउंट करना फिर लिखना। चलो कंप्लीट कर लेंगे इसको। यस मैम। इसे आपको खुद से कंप्लीट करना है, अगर हमें कहा तो कंप्लीट करवा दे, लेकिन आपको खुद से, क्योंकि आपको अपने फैमिली का लिखना है इसलिए आप इसको खुद से कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अभी हमने डिस्कस किया पार्ट टाइप ऑफ टीथ के जो एक्सरसाइज थे उसको, अभी हम डिस्कस करेंगे जो माइक्रोब, जो आपने रीड किया था टॉपिक माइक्रोब्स, उसके जो एक्सरसाइज यहाँ पे दिए हुए इसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट है व्हाट आर माइक्रोब्स, नेम एनी थ्री माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं, किसी थ्री माइक्रोब्स के नेम आपको लिखने हैं। चलिए बोलिए बेटा माइक्रोब्स क्या होते हैं, वन टू टेल व्हाट आर माइक्रोब्स। मैम मैं आई टेल, हाँ बोलो बेटा दिव्या। मैम माइक्रो आर टिनी लिविंग एनिमल्स पेरेंट इन एयर वाटर एंड सोइल, इट कैन नॉट बी सेन विथ, बस बस इतना ही, तो आपको लिखना है माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एयर वाटर एंड सोइल, बस इतना लिखना है। ठीक है, जो आगे जो आपके माइक्रोब होते हैं जीवाणु होते हैं कहाँ पे उपस्थित रहते हैं, एक जीव है ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है जो कि हवा में उपस्थित रहते हैं, पानी में मिलते हैं और मिट्टी में मिलते हैं। नोट कर लीजिए माइक्रोब्स प्रेजेंट
present in air, water, वाटर तक हम बातें कर रहा है माक्षी बीटी माइक ऑफ करिए एंड सॉइल तो अच्छी टाइप की माइक ऑफ नेम बताइए मैम मे आई टेल हाँ बोलो Microbes are of four types: bacteria, virus, protozoa, and fungi. मतलब four होते हैं ना कि आपको three लिखना है। मैं बताऊँ। Yes, बोलिए। बोलिए बोलिए। Bacteria, virus. And protozoa. यहाँ पे आप फुनगी भी लिख सकते हो नहीं थ्री पूछेगा थ्री ही लिखो ठीक है बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ हैव यू डन राइट अ फ्यू स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो टू कीप योर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यहाँ पे आपको क्या करना है थ्री स्टेप लिखने हैं किसको आप फॉलो आपको फॉलो करना चाहिए अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए ऐसे कौन कौन से स्टेप हैं जिसको फॉलो करके अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं बताइए बेटा चलिए जल्दी बोलिए बेटा आप सभी को पता होगा पढ़ाया गया है मैम फर्स्ट ब्रश द अपर जॉ एंड लोअर जॉ सॉफ्टली क्लीन द टंग विथ अ ब्रश और अ टंग क्लीनर ओके इसका आंसर यहाँ पे आप देख के राइट कर सकते हैं ठीक है क्योंकि टाइम नहीं राइट नहीं करवा पाएंगे इतना लेट राइटर में लगेगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी लिख सकते हैं सॉफ्टली क्लीन द टंग विथ अ ब्रश और अ टंग क्लीनर हाँ यहाँ पे हाँ लिख सकते बेटा जैसे यहाँ पे आप कुछ भी नोट कर सकते हो इसमें से ठीक है जैसे मसाज योर गम्स विथ योर फिंगर्स टू कीप देम हेल्दी हमें इनको हेल्दी रखने के लिए क्या करना है मसाज योर गम्स अपने मसूड़ों को मसाज करना है किसकी हेल्प से विथ योर फिंगर्स टू कीप देम हेल्दी एक ये हो गया स्टेप और एक स्टेप आप कर सकते हैं रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग छोटा सा एक ये राइट कर सकते हैं एक लाइन का है बाकी तो दो दो लाइन का है एक लाइन का ये आप राइट कर सकते हैं देन और आप राइट कर सकते हैं ये रहा rinse your mouth after eating ठीक है एक आप नोट कर सकते हैं विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली बस बहुत इजी है एक एक लाइन का बताती नोट कर देना नोट कर लेंगे ना यस मैम मैम तो इसे आप लोग बुक से देख के नोट कर लेंगे अभी बाद में नोट कर yes, लेना चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है ठीक कंप्लीट होगा चैप्टर आपका
कब गिरा रहे हैं, घंटे निकल रहा है ना, तो गिरता है तो गिर जाता है घंटा। हाँ बेटा, व्हाट इज टूट डिके, टूट का जो डिके जो क्षति होता नुकसान होता है वो क्या होता है, टूट डिके क्या है बताइए बेटा, टूट डिके क्या होता है, किस कारण से होता है और क्या होता है, बोलो जल्दी से बुक में देखिए बोलिए। If germs reach the nerves within within the pulp of the tooth the tooth begin बस बेटा चैप्टर आपका सेकंड कंप्लीट हो गया है, बुक ए के भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं, बुक बी के भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं, कुछ बचा तो नहीं बेटा इसमें कंप्लीट करने के लिए? नो मैम, अभी इस चैप्टर में एक दिन का वक्त और है, उसके बाद से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में अभी आपको पढ़ना है, यहाँ पे कुछ टॉपिक राइट है, बुक ए में ही है, क्या है पे, बीइंग हेल्दी, बीइंग हेल्दी टॉपिक आपका भी स्वस्थ रहना, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? उसके बाद से आप सभी का टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट, वर्ड मीनिंग का, क्वेश्चन आंसर का टेस्ट लेने के बाद चैप्टर 3 स्टार्ट होगा, ठीक है? लगभग नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट होगा चैप्टर, अभी नहीं स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट होगा चैप्टर 3। अभी आपका टर्न आएगा, आज तो आपका वेंसडे है, अभी आपको पढ़ना है फ्राइडे को, फ्राइडे को आपको कम्प्लीट करवा जाएगा ये, उसके बाद से नेक्स्ट वीक से आपको 3 चैप्टर स्टार्ट करवाया जाएगा, ठीक है? यस मैम, किसी को पूछना है कुछ? मैम बेटा 5 मिनट आप पूछ सकते हैं, कुछ भी कहीं छूटा हो पूछ लो, बता देंगे हम, 5 मिनट बचा हुआ है। सलोनी चौहान माइक ऑन करिए, ज्वाइन तो इतने लोग किए थे, लेकिन अब बचे केवल 5-6 लोग बस, बाकी सब लोग लीव कर चुके हैं पहले ही, 7 लोग बचे हैं केवल। ओके, क्या सभी का कंप्लीट हो गया है? यस मैम, यस मैम, जितना वर्क कंप्लीट हो गया होगा आप लोग सेंड कर देंगे, ठीक है? यस मैम, ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, मैम गुड बाय, गुड बाय बेटा, हाँ बोलो क्या बोलना है, गुड बाय, गुड बाय बेटा।